असम में हिमंता सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब कई लोग चिढ़ गए हैं। इन लोगों का ये चिड़चिड़ापन गुरुवार को असम के कामरूप में भी देखने को मिला। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। असम में अवैध बांग्लादेशियों पर हिमंता सरकार का बुलडोजर चल रहा है तो असम की जमीन पर कब्जा कर रहने वाले घुसपैठिए बिलबिलाकर बाहर निकल रहे हैं। हिमंता के एक्शन का रिएक्शन ये हुआ कि घुसपैठिए बांग्लादेशी मरने मारने पर उतारू हो गए। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, बूढ़े बच्चे सब हाथों में लाठियां लेकर असम पुलिस पर हमलावर हो गए और आरोप लगा कि गुरुवार को पुलिस और अप्रवासी लोगों के बीच ये सारा हंगामा हुआ कांग्रेस के उकसाने पर। ये आरोप खुद असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने लगाया। दरअसल पुलिस और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच ये झड़प असम की कोचू टोली गांव में हुई। खबरों के मुताबिक प्रशासन और पुलिस की टीम गांव में बांग्ला भाषी मुसलमानों से जमीन खाली करवाने पहुंची थी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की लाइन बिल्कुल साफ है, असम किसी भी सूरत में मियां भूमि नहीं बनेगा। और हिमंता बिस्वा सरमा का बयान सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक्शन में भी दिख रहा है। बीते सोमवार को असम के सोनापुर में भी करीब 80 बीघा जमीन पर गैर कानूनी अतिक्रमण पर बुलडोजर चला और करीब 200 घरों को तोड़ दिया गया। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में असम के मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि बुलडोजर किसी कीमत पर रुकने वाला नहीं, किसी ने जमीन पर अवैध कब्जा किया है तो बुलडोजर चलेगा। ये हमारा जो जंग है ये जीने और मरने का जंग है। मैं कोई किसी का बाद में मैं नहीं आने वाला हूँ, मैं अपने काम करते जाऊँ। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली की प्रॉपर्टी को अब भारत में शत्रु संपत्ति घोषित करने की तैयारी कर ली गई है। इस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद के बाद जब इसकी जांच की गई तो इसका पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री से एक बड़ा कनेक्शन सामने आया है। कहां पर यह प्रॉपर्टी और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री से इसका क्या कनेक्शन है, इसे लेकर आखिर क्यों एक शहर में विवाद देखने को मिल रहा है, आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर की इस इमारत को मुसलमान मस्जिद और हिंदूवादी संगठन फाइव स्टार होटल कह रहे हैं। इस इमारत का पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली से सीधा संबंध है। बंटवारे के बाद लियाकत अली पाकिस्तान चले गए और अब उनके परिवार की मिल्कियत को प्रशासन शत्रु संपत्ति घोषित करने की तैयारी में है। ठीक मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद इस इमारत को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन इस सच से सभी इत्तेफाक रखते हैं कि इस संपत्ति का पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री रहे लियाकत अली से सीधा संबंध है। यहाँ पर रहने और दुकान चलाने वालों का दावा है कि वो 80 साल से यहीं पर रहते, लेकिन हिंदूवादी नेताओं ने जब इस पूरे मामले को उठाया तो प्रशासन ने जांच शुरू की, जिसके बाद इस संपत्ति से जुड़े बड़े खुलासे हुए। घोषित करने की मांग नहीं की, वो शत्रु संपत्ति है, निष्क्रांत संपत्ति वो वहाँ पर आज भी मौजूद है और सारे कागजों में मौजूद है। उसी के आधार पर हमने ये कहा कि इसका जो व्यवसायीकरण किया जा रहा है वो गलत है। उसके अंदर दुकानें बना दी गई और जिस तरीके से वहाँ फाइव स्टार होटल नुमा बनाया गया है वो मस्जिद नहीं है। चलिए अब आपको समझाते हैं आखिरकार पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली का इस संपत्ति से क्या संबंध है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली के परिवार की मुजफ्फरनगर में काफी जमीन थी। विवादित मस्जिद भी लियाकत के पिता रुस्तम अली के नाम है। बंटवारे के बाद लियाकत अली पाकिस्तान चले गए। लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने और यहाँ पर उनकी संपत्ति पर स्थानीय लोगों ने दुकानें बना ली। हालांकि स्थानीय मुसलमानों का दावा है कि संपत्ति लियाकत के नाम नहीं हुई। हालांकि ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि भारत से पाकिस्तान गए बहुत से लोगों की संपत्तियों पर अवैध कब्जे हुए, कई जमीनें तो भू माफियाओं ने बेच तक डाली। मुजफ्फरनगर में भी लियाकत अली की एकड़ों जमीन पर विवाद हुआ, लेकिन अब सरकार इन्हें चिन्हित करके शत्रु संपत्ति घोषित कर रही है ताकि ये विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। अंकित मित्तल, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। हिंडनबर्ग के अनुसार अडानी ग्रुप के मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड की जांच की गई है और स्विस बैंक ने उसके कई बैंक खातों को फ्रीज भी कर दिया है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने फिर से अडानी ग्रुप पर सनसनीखेज खुलासा किया है। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि अडानी ग्रुप के मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड की जांच की गई है और स्विस बैंक ने उसके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। स्विस बैंक ने $31 करोड़ यानी करीब 2,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम को फ्रीज कर दिया है। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि इस मामले की 2021 से जांच चल रही है
हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि स्विस अधिकारियों ने अडानी ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और सिक्योरिटीज पर फ्रॉड के आरोप में जांच के तहत 6 अकाउंट में डिपॉजिट $31 करोड़ यानी करीब 2,600 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ग्रुप ने स्विस क्रिमिनल कोर्ट के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए ये जानकारी दी। पोस्ट में ये बताया गया कि जांच 3 साल यानी 2021 से चल रही है। इसमें अडानी ग्रुप से जुड़ी संदिग्ध ऑफशोर फर्म से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में भी बताया गया है। हिंडनबर्ग ने स्विस मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए लिखा कि प्रोसिक्यूटर्स ने बताया कि कैसे अडानी के एक सहयोगी ने BVI मॉरिशस और बरमूडा के संदिग्ध फंडों में निवेश किया था। इन फंड्स का ज्यादातर पैसा अडानी ग्रुप के शेयर्स में लगा था। ये जानकारी स्विस क्रिमिनल कोर्ट के रिकॉर्ड से मिली है। हिंडनबर्ग ने इससे पहले भी अडानी ग्रुप के बारे में कई सनसनीखेज खुलासे करते हुए कई आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर आरोप लगाया था कि उन्होंने एक ऑफशोर फंड्स में निवेश किया था जिसका संबंध अडानी ग्रुप से है। हालांकि अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के ताजा आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी आरोप निराधार हैं। रिपोर्ट जी मीडिया। यूपी की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस घटना ने राजधानी में विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी। लखनऊ से सामने आई तस्वीरों को देखेंगे आप तो विकास के गड्ढों की गहराई नाप सकते हैं। तस्वीरें लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास की हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि सड़क के बीचों बीच कितना बड़ा गड्ढा पड़ गया। जिस सड़क पर बारिश की वजह से गड्ढा पड़ा वो बेहद बिजी रूट है। हालांकि गनीमत है कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। हादसे के बाद रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क के नीचे से पानी का रिसाव हो रहा था, जिस वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। अब जरा दिन की तस्वीरें भी देख लीजिए, जिसमें गड्ढे की गहराई भी नापी जा सकती है। करीब 10 फीट गहरे इस गड्ढे में अगर कोई वाहन फंस जाता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होता। दरअसल शहर में पिछले काफी समय से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव हो गया। इस बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास एक सड़क के नीचे से पानी का रिसाव हो रहा था। लगातार पानी का रिसाव होने की वजह से सड़क धंस गई और सड़क पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया। Z News.